श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ श्रीऋषुभ्यो नमः ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करबाबहै तेजस्विना बधीतामस्तो माविद्वेशाभायि उम्म शांति 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 सर्वेभ्यो नमः देववाणी संस्कृतम YouTube चलत्दृष्यम् प्रति ंच स्वागतम मित्रों अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति ष्ठाध्यायी तृतीय पाद कक्षा संख्या तिहत्तरमी कक्षा को आज पढ़ेंगे ठीक है चलिएगा तो गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे यहां तक पढ़ा दिया था सोलह तक घकालक तनेशु काला नामना अब है हमारा सत्रहवा सूत्र क्षयवाशिष्वकाला पलछिता शयवासवाशिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचना अकाला पंचमी व्यक्तिवचना सयश्च वसिच शयवासवासीन तेजु शु इतरेतर द्वंद्वः इत्यत्र नहीं तत्पुरुष ठीक है न काल न काल न काल इस तस्मात् कर लीजिएगा अनुवृत्ति इसमें आ रही है विभाषा सप्तम्या अलुगुतर पदे ठीक है अर्थ क्षय वा वासीषु उत्तर पदेशवाचिन उत्तर सप्तम्या विभाषा अलुक होती ठीक है क्षय वास और वासिन इन उत्तर पद के रहते हुए अकालवाची मान काल से भिन्नवाची शब्दों से उत्तर सप्तमी व्यक्ति का अलुक विकल्प से होता है जैसे खेषया खय अब यहाँ पर ख शब्द क्या कालवाची है ठीक है तो आ, आ, आकाश को कहता है ठीक है तो ये सप्तमी खेषया खेषया और लुक लुक हो गया तो खशय ग्रामे वास ग्राम वास ग्रामे वासी, ग्राम वासी। तो एक बार अलुक लुक हो गया एक बार अलुक हो गया है ठीक है खेस का अर्थ होगा पक्षी आकाश में सोने वाला ना आकाश पक्षी आकाश में तो सोते हैं आकाश में रहते हैं मतलब ये है है ठीक आसमान में पेड़ों के ऊपर तो ऐसे खेश ग्राम ग्राम में बास रहना ये अर्थ है में ग्राम, ग्राम में रहने वाला व्यक्ति तो दोनों प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि अधिकरण शेत से शेते से क्या खेशया में खे खेषया खा सप्तमी रहते हुए अच्छ प्रत्यय हुआ है तो खेषया बन जाता है यहाँ पर बन जाएगा ठीक है बाकी ये सब इसी प्रकार के हैं इसमें हमें उतनी बोनी करना बस सप्तमी का आलोक दिखाना है ये प्रत्यंत है ठीक है as I तो यहाँ पर क्या है नहीं प्रत्यय सुप जाता हूँ नहीं स्थात छिल्ले से ग्रामे वसितुम शीलम यस्य सा ग्रामवासी होगा ठीक है इन पता है यहाँ पर क्या होगा ग्रामे वासा ग्राम वासा यहाँ तो वस्तुतः ऐसा होगा वस धातु से पहले घई कर लेंगे वासा फिर सप्तमी समास होगा इसमें इन दोनों में इन दोनों उदाहरणों में हा और ग्रामी में अथवा इनमें इनमें होगा उपद तत्पुर समास रहते हुए यहाँ प्रत्यय कहा है यहां पर तो सप्तमी तत्पुर समास होगा इन दोनों में ग्रामे वासहा ग्राम वास में ध्यान रखेंगे ठीक है नेन सिद्धा बधना तेषु च नाभ्यपदम इन सिद्ध बधना तेषु सप्तम व्यक्ति का वचनांत चाभ्यपदम समास है इन च सिद्धश्च बधना तिश्च इन सिद्ध बधना तेषु इन सिद्ध बधना तेषु इतर इतर योग द्वंद हो गया इसमें अनुवृत्ति इसमें आ रही है सप्तम में आहा उत्तर पदे अर्थ इनंत उत्तर पदे सिद्ध शब्दे बदनातम चाह सप्तम्यालुक् न सिद्ध शब्द हो अथवा बदनाती बदनाती का अर्थ है बंध धातु से निर्मित कोई भी शब्द तो सप्तमी का अलुक नहीं होता है अर्थात लुक हो जाता है जैसे इनका बता रहे स्थंडिला, स्थंडिला, वर्ती ये इनका हो गया और सिद्ध का बता रहे सिद्ध कामपिल्य सिद्ध बदनाति का बता रहे हैं चक्रबंध चारबंध इनमें क्या था ध्यान देंगे ये इन प्रत्यय क्या है कृत प्रत्यय है कैसा है कृत और सिद्ध शब्द कत प्रत्यंत ये भी कृत प्रत्यांत है और ये बदना, बद्ध ये भी बदनाती के जो शब्द बने हुए जो हैं जो लिए यहाँ पर वो क्या है कृत प्रत्यांत कृत प्रत्यांत होने से क्या था तत्पुरुषे कृति बहुलम से इनको क्या था अलुक प्राप्त था तो कहा भाई इन प्रत्यय कृत है तो उसको तो नित्य ही होगा ठीक है तो यहां पर क्या है इनका मतलब जो इन प्रत्यय है ये ये इन प्रत्यय का क्या बचता है संज्ञा करके इन बचता है वो इन लिया है इन्होंने ठीक तो कृत वही इन है तो यहां पर क्या स्थंडले स्थंडिल स्थंडिले शयितुम शीलम यस्य सह स्थंडिल शाही तो स्थंडल और शी, से क्या हो गया प्रत्यय हो गया आ और फिर इसको वृद्धि होकर के आय आदि आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाए शाइन और फिर स्वादी उत्पत्ति करके प्रथमा व्यक्ति क्वेश्चन में शाही बना ऐसे बनाए तो यहां पर क्या है सप्तमी का लुक हो गया सुपो धातु प्राप्त से या मतिंग से तशमाश हुआ है यहाँ पर क्या हुआ है उप पद मतिंग से समास हुआ है ऐसे ही वृद्ध वृद्धातु है तो यहाँ पर भी हो गया है ठीक है सिद्धा सिद्धा इनमें इनमें क्या है इन सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ है सप्तमी सौंडी विवाह करके क्या है सप्तमी समास हुआ है तो यहाँ पर भी आलोक हो गया बदनादि भी चक्रे चार बद्ध तो यहाँ पर भी सप्तमी तत्व सप्तमी तत्व समास हुआ है तो उसका भी क्या हो गया अलुक हो गया विभक्ति का लुक हो गया ये बता दिया इन्होंने इससे प्राप्त था अलुक तो निषेध कर दिया बदनाति से बंध क्रियादिगण की धातु से निष्पन्न रूप लिए जाएंगे उदाहरण में बद्ध क्या है निष्ठान्त है अतः आने धातु हल पदा से नकार का लोप हो जाता है वन धातु के नकार का लोप हो करके और फिर त और फिर की से दब्ध बन जाता झसथोर धोदा और फिर जलाम ज झलाम ज शश इत्यादि करके बद्धा बनता है ठीक है ये पहले ही करा दी गई सिद्धि तो यहाँ पर वो सिद्धि नहीं देखा देखना हमको केवल यही देखना बद्ध धातु बद्ध शब्द क्या है बंद धातु का स्थेच्छ विभाष स्थेच्छ भाषायां स्थेष्ठतमी वर्ती एक वचनांतम् चाव्य पदम् भाषायां सप्तमी वर्ती एक वचनांतम् अनुवर्ती इसमें न स्थेष्ठतम्या अलुगुत्तर पदे अर्था स्थेष्ठचौत्तर पदे भाषायां सप्तम्या अलुग न भवती माने कहते हैं स्थ के उत्तर पद रहते हुए भाषा में सप्तमी व्यक्ति का अलुक नहीं होता मन लुक हो जाता है तो समस्था विषमस्था कूटस्था परवस्था तो भाषा हम कहने से वेद में तो अलुक रहेगा वेद में तो अलुक माना जाके दिखे अलुक माना जाएगा तो भाषा के लिए भाषा में अलुक नहीं होता लुक ही हो जाता है तो ये भी क्या है ध्यान देंगे ये जो स्था है ये ये स्था धातु से का प्रत्यय हुआ था यास सम के सम के उपद रहते हुए सप्तम अंत के स्था धातु से क्या हुआ था सुपी सुपिस्थ ये तीसरा अध्याय के दूसरे पद का सूत्र है सुपस्था सुपिस्था से क प्रत्यय होकर के क्या हो गया ये लोप आदि होकर के का का आवच्छा मिलकर के इसमें और इसका ये क्या है कृत प्रत्यय है ये तो कृति बहुल से क्या प्राप्त था अलुक तो लुक कर दिया भाषा में तो क्या हो गया ये सब जगह ठीक है, है। समस्त मतलब सम में स्थित रहने वाला विषम में स्थित रहने वाला कूट में स्थित रहने वाला पर्वत पर स्थित रहने वाला यह तो वो यह पूर्वत प्राप्ति थी निषेध कर दिया आक्रोश्ठ व्यक्ति एक वचना आक्रोशे सप्तमी व्यक्ति एक वचना अनुवृत्ति अलु उत्तर पदे आक्रोशी गम्मेमाने उत्तर पदे परता ष्ठ्या कहते भवते आक्रोश गम्मेमान हो रहा हो क्रोध तो उत्तर पद के रहते हुए षष्ठी का अलुक हो जाता है कोई भी क्रोध गम्यमान हो रहा हो तो का लुक है चौरस्य कुलम वृषलस्य कुलम तो यहां पर ध्यान देंगे चौरस्य कुलम में एक समास हो चुका है चौरस्य कुलम एक शब्द बन गया है तो आधा वो डेथ लगा दिया ये वास्तव में एक शब्द ही है चौरस्य कुलम ये यहाँ षी समी समास होने पर ष्टी का लुक होना चाहिए था इसने मना कर दिया गुस्सा या क्रोध गम्यमान हो रहा है ठीक है कोई कह रहा है ये चोर का कुल है ये चोर का कुल है भाई इसको दान मत दो कुछ आक्रोश गम्यमान हो रहा है तो इसको चौरस चौरस्य का क्या है षष्ठी का लुक हो गया ऐसे ग्रीसलस्य कुलम मन दुष्ट लोगों का कुल है ठीक है तो चौरस्य कुलम यह चोर का कुल है ऐसा कहकर आक्रोश प्रकट किया जा रहा है ठीक है चलिए ये हो गया पुत्रेतर इसके अलावा और भी उदाहरण बन जाएंगे पुत्रे सप्तमी व्यक्ति वचनातर सप्तम व्यक्ति वचना ष्या आक्रोशे अलुगुतर पदे अर्थ पुत्र शब्द उत्तरपद आक्रोशे गम्यम अलुग ष्यालव ठीक है पुत्र शब्द उत्तर पद में होगा और आक्रोश का मान हो रहा हो ष्ठी का लुक अलुक विकल्प से होता है एक बार हो जाएगा लुक तो वही है दास्याह पुत्रः दासी पुत्रः पुत्री पुत्रः ठीक है तो यहाँ पर ये षष्ठी व्यक्ति ये समा समास हो गया एक ही शब्द बन गया वास्तव में यहाँ ये, ये पर तो कुछ हो ही नहीं सकता विसर्ग रहेगा यहाँ पर लुक हो गया का हो गया ब्रिशली का पुत्र दासी का पुत्र ऐसा क्या करके प्राचीन काल के उस समय ऐसे चल रहा था संबंधे ऋता पंचम व्यक्ति विद्या योनि संबंधे पंचम व्यक्ति बहुचना समास विद्या च योनि इतरेतर योग द्वंद्वः विद्यायोनि कृताह संबंधो ये शांते विद्यायोनि संबंधा तेभ्या विद्यायोनि संबंधेभ्याह बाहुरी ठीक है बाहुरी समास हो गया एक तो योग विद्यायोनि और विद्यायोनि से निर्मित जो संबंध होता है व्यवहार में जैसे पिता पुत्र का संबंध क्या है जो पिता शब्द है वो कैसा है योनिकृत है क्योंकि वो अपने योनि माने उसके आ, शरीर के शरीर के से ही पुत्र उत्पन्न होता है तो जो पिता शब्द है वो योनिकृत है पढ़ाने वाला अध्यापक होता है वो उसका जो संबंध होता है शिष्य आदि के साथ में तो वो जो आचार्य या जो भी शब्द है ये उनका ये किस लिए किस होता विद्या के निमित्त से होते हैं तो विद्याकृत और योनिकृत संबंध वाची शब्दों से लेना तो यहाँ पर बाद में इन्होंने क्या कर दिया बाबरी कर दिया अभी उदाहरण में समझ में आ जाएगा ठीक है ये कह कर विद्या विद्या और योनि से किए गए जो संबंध है जिन शब्दों के तो वो विद्या योनीकृत संबंध शब, संबंधा शब्द शब्द संबंध होगा अनुवृत्ति इसमें आ रही है अलुत्तर पदे अर्थ विद्या संबंधवाचिभ्यो योनि संबंधवाचिभ्य ऋकारातेभ्य उत्तर षष्ठिया उत्तर पदे पर ठीक है कहते हैं विद्या सम विद्या से किया विद्या से उत्पन्न संबंध को कहने वाला शब्द और योनि से योनि से उत्पन्न योनि के द्वारा संबंध से व्यवहित जो शब्द ऐसे शब्द कैसे होने चाहिए रिकारांत उनसे उत्तर षष्ठी का उत्तर पद के पहले उत्तर पद कोई भी हो तो अलुक हो जाता है आइएगा देखिए विद्या संबंध वाचिन हो हो वासी होतु पुत्र योनि वासी पितु अब देख लीजिए यहां पर मुख्य रूप से हमें ये देखना होतु होतु हो पितुह पितु होतु पितु हो शब्द मतलब हो क्या है ये होत्री शब्द है ये होत्री शब्द क्या है जब यज्ञ आदि कराते हैं तो उसमें ऋतु विशेष का नाम होता है क्या यज्ञ आदि कराने वाले किसी ऋतुक विशेष का नाम होता है और वो ऋतुक क्या वो ऋतु होत मान उसको होता कहते हैं क्योंकि वो होत, होता माने होत्री संबंधी क्रियाओं को जानता है तो होत्री शब्द क्या है विद्या से संबंधित है जब भी हम होता बोलते हैं तो जिस व्यक्ति को होता कहेंगे तो हमारे मस्तिष्क में ये बात जाएगी कि अच्छा ये वो ऋतु में से ये कुछ यज्ञ की क्रिया विशेषों का ज्ञान रखता है इसलिए इसको होता कह रहे हैं ठीक है ऐसे ही पिता कहते हैं अंत है तो पिता हम जब भी पिता कहेंगे तो हम समझ जाएंगे पिता अर्थात ये इसकी कोई संतान है ठीक है संतान से निर्मित शब्द का व्यवहार हो रहा है अर्थात ने कोई संतान उत्पन्न किया है तब ये पिता बना है अब आप कहेंगे पिता अर्थात पिता तो बिना संतान के भी लोग ऐसे पिता बन जाते हैं वो क्या है गौण रूप से होता है मुख्य रूप से शब्द की प्रवृत्ति को देखना है पितृश शब्द की मुख्य रूप से प्रवृत्ति तभी होती है जब उसकी संतान उत्पन्न होती है तब वो पिता बनता है रूप से फिर हो जाता है भाई कोई किसी का पालन पोषण कर रहा है तो जैसे अपने पुत्र का करते अपने संतान का वैसे वो दूसरों का भी कर रहा है तो उनके लिए भी पिता सदृश हो गए पर मुख्य वृत्ति से देखना है तो इसलिए ये यहां पर हमें अंत्यवासी और पोतपुत्र से कोई लेना देना नहीं देने ये क्या है, है शब्द और ये षष्ठंत हो तो अंत्यवासी तो समास हो गया यहाँ पर ठीक है समास होने पर आगे आ आ, आ रहा है यहाँ पर अंत्यवासी का तो यहाँ पर ये क्या है हो तुर रही रहेगा विसर्ग होगा ही नहीं यहाँ पर हो तो पुत्र यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा क्या खरबसानी और विसर्ग से विसर्ग हो जाएगा तो हो तो पुत्र बन जाएगा षष्ठी समास हुआ है ध्यान रखेंगे पितुर अंत्यवासी पितु ये है और कोई इसमें विशेष नहीं है ऐसा अब मैं आपको हिंदी पढ़ के बता देता हूं विद्या योनि संबंध अर्थात विद्याकृत संबंध है जिनका एवं योनि कृत संबंध है जिनका तद वाची ऋकारांत शब्दों से उत्तर षष्ठी का उत्तर पद पर रहते अलुक होता है होता का शिष्य यहाँ होता से शिष्य का विद्याकृत संबंध है तथा पिता का पुत्र यहाँ योनीकृत संबंध है जहां दोनों पद विद्याकृत एवं संबंध संबंधवाची होते हैं वही अलुक होता है उदाहरणों में उत्तर पद भी विद्या योनी संबंधवाची है अच्छा ये इतना और विशेष कह रहे हैं कि तो यहाँ पर ये जो बात इन्होंने कही है ठीक है इनका ये कहना है कि जहां दोनों पद इसको समझ लीजिएगा मैंने जो बात कही थी उसको थोड़ा सा आपको हटाना पड़ेगा जहां दोनों पद विद्याकृत एवं योनीकृत संबंध वाची होते हैं वहीं अलुक होता है इनका कहने का अर्थ है कि जो उत्तर पद में शब्द होगा वो भी क्या है विद्याकृत संबंध होना चाहिए उसका भी योनीकृत होना चाहिए अब ये आवश्यक नहीं है यहां पर जैसे इसमें यह अंतवासी जो शब्द है यह होतु शब्द है ये कैसा है विद्याकृत और अंत्यवासी भी कैसा है विद्याकृत और यहां पर क्या है होतु शब्द ये कैसा है विद्या संबंधकृत और जो पुत्र शब्द हैं, ये है ये तो योनिकृत है वास्तव में तो योनि योनिकृत तो यहाँ पर इनको ऐसा एक वार्तिक बनाया है वार्तिक है ये कि विद्या योनि संबंध पूर्वोत्तर पद ग्रहणम ये वार्तिक है कि विद्या कृतवाची रिकार्त अथवा कृत संबंधवाची रिकारंत शब्द हैं उनसे उत्तर भी उनसे उत्तर भी क्या विद्याकृत या योनीकृत संबंधवाची शब्द ही होना चाहिए पर यह आवश्यक नहीं है कि विद्या ये जैसे विद्याकृत संबंधवाची से उत्तर विद्याकृत ही वाला हो ऐसा नहीं है विद्याकृत से विद्याकृतवाची के साथ में भी और विद्याकृत संबंधवाची से योनीकृत संबंधवाची शब्द के उत्तर पद रहते हुए ठीक है इसलिए क्या दिखा दिया इन्होंने कि यह तो

सूत्र में ऐसा कुछ कारण स्पष्ट करने के लिए बता दिया है उत्तर पद भी होना होना चाहिए चाहिए परंतु उसमें यथासख्य नहीं लगाया यथासख्य नहीं लगाया कि विद्या कृत के साथ विद्या यो के साथ योनीकृत नहीं विद्याकृत के साथ योनीकृत भी हो सकता है विद्याकृत भी हो सकता है योनिकृत के साथ योनीकृत भी हो सकता है विद्याकृत भी हो सकता है तो इसलिए ऐसे ही यहां पर ये क्या है पितु शब्द है आपका योनिकृत अंत्यवासी है विद्याकृत और ये पितु शब्द क्या है योनिकृत और पुत्र शब्द क्या है योनिकृत है ये आपका तो ये ऐसे होगा ऐसे आपको समझ लेना है ठीक है अब तो क्लियर स्पष्ट हो गया या इनको ऐसा कहना चाहिए अर्थम वास्तव में खोल करके विद्या संबंध वाचिभ्यो योनि संबंध वाचिभ्य रिकाते विद्या योनि विद्या संबंधवाचिनी उत्तर पदे परत अलुक भवती तो और स्पष्ट हो जाता पर एक काशिका की बात थी हिंदी में नहीं चली गई थी अब मुझे भी समझानी पड़ी ठीक है तो ये समझना है आपको चलिए विभाषा स्वश्री पत्यो विभाषा प्रथमा व्यक्तिचना स्वश्री पत्यो सप्तमी व्यक्तिचना स्व पति स्वश्रीपति तय स्वश्री पतु इतरे तन्द्व तो अन्वृत्ति विद्यासबंधेभ्य ष्ठ्याल पदे। ठीक है स्वृपतिर उत्तर पद है संबंधवाचि हैं स्वश्री और पति इन दोनों के उत्तर पद रहते हुए विद्याकृत और योनी कृत जो शब्द हैं उनको क्या है वो रिकार्तों से उत्तर षष्ठी का विकल्प चल पूर्व वाले सूत्र से क्या था पूर्व वाले सूत्र से था नित्य अलुक प्राप्त था तो इसने विकल्प कर दिया बस इतना ही है जैसे मातुश्वसा मातुश्वसा मातृश्वसा ये तीन बनेंगे इसका भी बता देंगे ये क्या मातृ शब्द योनी कृतवाची है और श्वसरी शब्द भी योनी कृतवाची है श्वसरी का अर्थ होता है बहन ठीक है तो वहन का रिश्ता होता है वो भी योनिकृत रिश्ता ही है एक तरह से ऐसे पितुष स्वशा पितुष्वसा पितृश्वसा दुहितुहपति ही दुहित्रिपति ही ननांदुहुपति ही ननांद्रिपति ही। तो यहां पर क्या है दोहित्री शब्द और पति शब्द ये भी क्या योनीकृत ही है ये दोनों योनीकृति ही है ऐसे ननांदुपति ये भी योनीकृत है ये दोनों योनीकृत है तो यहाँ पर विद्या कृत का उदाहरण नहीं मिलता होगा स्वस्थ पति के साथ और पति शब्द के साथ में इसलिए नहीं लगाए तो यहाँ पर क्या हुआ है ये जो देखिएगा ये तो हो गया लुक् पक्ष का ष्ठी समास हुआ है सब जगह षष्ठी से ष्ठी समास हुआ है ये तो लुक् पक्ष का हो गया जब अलुक नहीं होता तब दो रूप बनते हैं इसके एक बार क्या होता है स्वाश्री के जो स्वा स्व का सा है उसको मूर्धन हो जाता है बस इतना ही होता है उसके लिए ये दो ये सूत्र है ध्यान रखिएगा ये। इसको ये मातुशा मातु, मातु आदि में विकल्प से शत्व मातु पितृभ्या मन तरश्याम से होता है विकल्प हो गया यहाँ पर मातृ शब्द से उत्तर और पित्री शब्द से उत्तर इसे स्वसा के साको विकल्प से हो गया ये तो हो गया तब का है? नहीं हुआ तबका है ठीक है और यहाँ पर यहाँ पर तो नित्य ही शतु होता है ध्यान रखेंगे क्योंकि ये वाला जो सूत्र है आठ तीन पिछासी ये उस अनु में है कि मातु ऐसा रूप मिलेगा षष्टी में या पंचमी में तो पितु ऐसा रूप मिलेगा उससे उत्तर स्वश्री को होगा तो वो कहा मिलता है मातृ और पित? मातु पितु अलुक पक्ष में मिलता है लुक पक्ष में नहीं मिलेगा लुक पक्ष के लिए तो नित्य होता है शत्रु मातृ पितृभ्या मन यह है स्वस्री स्वश्री ये है सूत्र पूरा मैं आपको बता रहा हूं यह है आठ तीन पिछासी मातृ पितृ्यम स्वसा तो छूट रहा था तो मातृ पितृ इन शब्दों से उत्तर स्वसा के सकार को शक्त हो जाता है तो यहाँ पर जहां पर लुक हो गया तो उसमें नित्य हो गया श हो गया ऐसे यहाँ पर भी हो गया और ये सामान्य दुहितुपत्ति पति लुक हो गया ही। और यहाँ लुक हो गया नना पति नानिपति ये हम ये ष्टी का रूप बनाएंगे वो बात की बात है हमें अभी जो अलुक करना है षष्टी का वो कर दिया है ठीक चलिएगा ये हो गया हमारा चलिएगा तो आज इतना ही करेंगे ये अब प्रकरण यही चल रहा है पर थोड़ा सा ये अब अलुक वाला नहीं है अलुक वाला जो हमारा था वो समाप्त हो गया अब ये आदेश का आ जाएगा ठीक है तो इसको आगे की कक्षा में देखें कभी कभी तीस मिनट में बहुत आनंद आता है सर्वेभ्यो नमः